नमस्कार दोस्तों, राजनीति की बातों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त धर्मेंद्र कमारी। दोस्तों, पॉलिटिक्स ऑफ चौधर के वीडियो हमारी सीरीज चल रही है और आज इस सीरीज में मैं सोराण गोत्र के गढ़ माने जाने वाले लोहारू जो हलका है उसके चुनावी इतिहास के बारे में हम बात करेंगे। और यहाँ तक लोहारू में अभी तक 13 चुनाव हुए हैं दोस्तों, जिनमें से 11 बार सोराण गोत्र का विधायक बना है। और 2014 और 2019 में रिकॉर्ड टूट गया क्योंकि सोराण वर्सेज नॉन सोराण का नारा यहाँ के जाट बाहुल्य मतदाताओं में चला है। दोस्तों, लोहारू विधानसभा के लिए सबसे पहले 1967 में चुनाव हुए और कांग्रेस के चौधरी हीरानंद आर्या जी जो सोराण थे यहाँ से विधायक निर्वाचित हुए, उन्होंने सोशलिस्ट पार्टी के पंडित तुलसीराम जी को हराया था। 1968 में कांग्रेस की प्रत्याशी चंद्रावती जी बनी यहाँ पे, वो भी सोराण थी और उन्होंने निर्दलीय पंडित तुलसीराम जी को हराया। 1972 में बहन चंद्रावती जी ने निर्दलीय लड़े चौधरी हीराराम मारिया जी को पराजित किया और विधानसभा पहुंची। 1977, 82 और 87 के तीनों चुनाव चौधरी हीरानंद आर्य जी ने जीते। 1977 में वो जनता पार्टी के प्रत्याशी थे और दोनों बार लोकदल के। 1991 में लोहारू से जनता दल प्रत्याशी के रूप में फिर से बहन चंद्रावती जीती, उन्होंने जनता पार्टी के सोहनलाल जी को हराया। 1996 में चौधरी बंसीलाल के दामाद सोमवीर सिंह जी यहाँ से विधायक बने और उन्होंने समता पार्टी के चौधरी हीरानंद जी को हराया। चंद्रावती जी ने भी चुनाव ये लड़ा था लेकिन उनका प्रदर्शन जो था वो बहुत निराशाजनक था, उनको मात्र 3364 वोट मिले थे। साल 2000 में इनेलो के चौधरी बहादुर सिंह सोराण ने सोमवीर सिंह जी को पराजित कर दिया। दोनों एक ही गाँव के हैं। चंद्रावती जी ने इस चुनाव में भी शिरकत की थी लेकिन वो 5वें स्थान पर रही थी, उनको 7000 के करीब वोट मिले थे। साल 2005 में कांग्रेस प्रत्याशी सोमवीर सिंह जी इनेलो के बहादुर सिंह जी को पराजित करने में सफल रहे और दूसरी बार विधायक बने। साल 2009 में इनेलो के धर्मपाल ओबरा जी ने निर्दलीय जेपी दलाल को हराया और कांग्रेसी सोमवीर सोराण जी तीसरे स्थान पर रहे। इस चुनाव में चौधरी हीरानंद आर्य जी के पुत्र पायलट संदीप सिंह ने भी भाग लिया था और उनको मात्र 4500 वोट मिले थे। बहुत अच्छे पायलट वो हैं और बहुत अच्छे इंसान भी हैं। साल 2014 में इनेलो के ओम प्रकाश बड़ुआ जी ने भाजपा के जेपी दलाल जी को हराया और कांग्रेस के सोमवीर जी फिर से तीसरे स्थान पर रहे। चौथा स्थान हजका के चौधरी बहादुर सिंह को मिला। साल 2019 का चुनाव जेपी दलाल के लिए खुशखबरी लेकर आया। लगातार दो चुनावी हार के बाद उनको कांग्रेस के सोमवीर सिंह से जीत मिली और सोमवीर जी की यह तीसरी लगातार हार रही। अगर जेपी जी हार जाते तो उनकी भी ये तीसरी हार होती। खैर, जेपी दलाल जी का ना तो ये हलका है और ना ही उनके गोत्र के लोग इस हलके में रहते हैं, लेकिन भिवाणी के घुसखाणी गांव में पैदा होने के बाद उन्होंने लोहारू हलके में जो सियासी मेहनत की है उसका नतीजा ये हुआ कि वो चुनाव जीते और हरियाणा सरकार में कृषि मंत्री हैं। इस हलके ने चौधरी हीरानंद आर्य जी जैसे बड़े और अच्छे नेता दिए हैं, बहन चंद्रावती जी जैसे नेता दिए हैं, चौधरी बहादुर सिंह जैसे नेता दिए हैं और जेपी दलाल जैसे मंत्री यहाँ पे रहे हैं। ये सब लोग मंत्री भी रहे हैं तो लोहारू हलका हरियाणा की सियासत में एक अहम स्थान रखता है। लेकिन 2024 का जो चुनाव है दोस्तों, वो लोहारू हलके के लिए बहुत मायने रखता है क्योंकि जेपी दलाल जी अपनी जीत का रिकॉर्ड जो है, जीत का जो इतिहास है उसको दोहराना चाहेंगे। और जो सोराण गोत्र है जिसका कहते हैं सोराण वर्सेज नॉन सोराण का नारा चलता है, तो सोराण कितने दिन अपना विधायक नहीं चुन पाते ये भी देखने वाली बात होगी। तो लोहारू हलके में 2024 में कौन चुनाव जीत सकता है आप जरूर कमेंट करके बताएं। और ऐसा भी चर्चाएं हैं कि चौधरी जो बहादुर सिंह हैं उनके बेटे जो भी आईएएस के पद पर रहे हैं वो जगदीप सिंह जी भी चुनावी मैदान में उतर सकते हैं। वो भी इस तरह के सियासी समीकरण जरूर वहाँ पर खंगालेंगे और बाकी सियासी खिलाड़ी भी मैदान में हैं। तो 2024 का चुनाव लोहारू हलके के लिए बहुत मायने रखता है। तो 24 में यहाँ से कौन चुनाव जीत सकता है, आपका जो भी आकलन हो कौन यहाँ पे मौजूद कैंडिडेट रह सकता है, आप ज़रूर कमेंट करके मुझे बताएं। दोस्तों, मैं आपके कमेंट का इंतजार करूँगा। ये हमें ये समझने में मदद करेगा कि लोहारू हलका किस करवट लेने वाला है 2024 में। कल फिर मिलेंगे 3 बजे एक और नए वीडियो के साथ।